आपको कल हमने बताया कि किस तरह से पंचायत के उपचुनाव स्थगित कर दिए गए और यहाँ पर कहा गया हालात उस तरह से सामान्य नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर इससे पहले मैं कहूँ तो गुलाम नबी आज़ाद से लेकर जीए मीर से लेकर रमन भल्ला से लेकर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता या फिर मैं कहूँ विपक्ष के बड़े चेहरे ये सवाल उठाते रहे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की जनता को वो सुविधाएं क्यों मुहैया नहीं करवाई जा रही जो कहीं ना कहीं उनका अधिकार है। बात की जा रही है कि यहाँ पर कारोबार जो है वो ठप चल रहा है, नौकरियों की कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य क्या होगा। और बहुत बड़ी बात है जो तमाम नेताओं की जुबान से निकलती रहती है, वो कहते हैं कि इंटरनेट की ब्लॉकेज क्यों है, कम्युनिकेशन की ब्लॉकेज क्यों है, इतना समय क्यों हो गया है, 4G जो सर्विसेज हैं यहाँ पर स्टोर नहीं की गई है। हमारे साथ दो युवतियाँ, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सीधे तौर पर ये आरोप लगा रही हैं, ये सवाल उठा रही हैं केंद्र सरकार पर कि आखिरकार क्या रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरनेट जो है उसकी सुविधा को बाधित कर दिया गया। सफीना जी, क्या लगता क्या है कि क्यों इतना गुस्सा है? देखिए, 5 अगस्त 2019 में हमारा जो इंटरनेट सर्विसेज है वो बैन कर दी गई थी क्योंकि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन था। और उसके बाद अब हमें मतलब ये रीज़न दिया जाता है कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, सिक्योरिटी कॉजेस कि हमारी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो एग्जीक्यूट ना हो, इसलिए हमारा जो इंटरनेट सर्विसेज है वो हमारे फ़ोन्स में सुविधाएं हमें उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर टेररिज्म एक्टिविटीज़ को मतलब रोकने के लिए हमारा इंटरनेट बंद किया गया है तो पीछे अभी नगरोटा वाली साइड भी अगर देखा जाए तो अभी वो एक्टिविटी हुई है, तो मतलब जिन्होंने वो एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना है वो VPN की सुविधा से या वाईफाई की सुविधा से उससे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो DGP बार बार ये बयान दे रहे हैं, यहाँ के युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है VPN का इस्तेमाल नहीं कीजिए, कहीं ना कहीं टेरर एक्टिविटीज इसमें होती हैं। युवाओं को भी तो ये समझना चाहिए, युवाओं को ये समझना चाहिए। यूथ इस टाइम पूरा का पूरा जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। क्योंकि हमारा देखा जाए तो हमारे मोदी जी ने ये कहा है कि हमारा जो इंडिया है ये डिजिटल डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें वाईफाई की सुविधा जो है हर बंदा मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता है। 2500-3000 की वाईफाई की कनेक्टिविटी का वो बॉक्स मिलता है आपको, एक आम आदमी वो ये सुविधा उपलब्ध नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा ये मुद्दा है जो सिंपल सा एक क्वेश्चन है मेरा ये कि अगर हमारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब कि वो ना हो इसीलिए हमारा इंटरनेट बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी रीज़न से, तो फिर हमें वाईफाई की कनेक्टिविटी क्यों अवेलेबल की जा रही है? क्योंकि जिसने वो एक्टिविटीज़ करनी है टेररिज्म एक्टिविटीज़ वो तो वो फिर वाईफाई से भी करेगा, क्योंकि जो कनेक्शन हमें देंगे उनको नहीं ये चीज़ पता होगी कि ये टेररिस्ट है या ये आम आदमी है। और देखा जाए तो इतना महंगा कनेक्शन है, इसके प्लान्स इतने महंगे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो हमारा कंट्री का GDP रेट डाउन हुआ था वो सारी की सारी इकोनॉमी जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर के ही लोगों से जैसे पूरी की जा रही हो। और साथ में कहा जाता था कि जो हमारी सरकार है ये मतलब अंबानी बेस्ड चलती है, तो आपको पता है जियो अंबानी, राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं आप। अरे इस टाइम ये हमारी फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रही है, तो ये अंबानी की सरकार चलती है तो जियो के कनेक्शन अवेलेबल हैं। क्या जियो के कनेक्शन जो लोग ले रहे हैं क्या उस टाइम पे सिक्योरिटी रीजंस बाधा नहीं बन रही है इंटरनेट यूज़ करने के लिए? क्योंकि अगर मैं वाईफाई कनेक्शन लेती हूँ, समहाउ ये भी कहा जा रहा है यहाँ के प्रशासन की तरफ से कि 2G रिस्टोर कर दिया गया है, गूगल जो है वो आपका चल रहा है, विकिपीडिया चल रहा है। अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी भी चीज़ का यूज़ करना है दैट इज़ इंटरनेट सर्विस, तो आप वो यूज़ कर सकते क्योंकि एजुकेशन पॉइंट से साइट्स जो है वो ऑपरेट कर रही हैं। देखिए मैं भी गूगल को सर्व करती हूँ, जैसे ही मैं उस पर कुछ डालती हूँ जब मैं क्लिक करती हूँ सर्च करने के लिए तो वहाँ ये आता है फाइल लोड हैवी, तो उस टाइम पे लोडिंग ही नहीं होती है, हर जगह अवेलेबल ही नहीं होता है। रात को 12 बजे के बाद 2G भी थोड़ा ढंग से चलता है। अब मैं कितनी अपनी नींदें हराम करूं कि मैं रात के 12 बजे तक जागी रहूं उसके बाद वो मैं सर्च करूं, किसी जगह नेटवर्क भी नहीं होता है और मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि यार कब स्पीड चलेगी तो मेरा ये काम होगा, या मैं वाईफाई कनेक्शन लूंगी, या मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं वो प्लान्स मतलब करवा सकूं और फिर अपने ऑफिस के टाइम के बाद 8 बजे शाम को घर जाऊं और उसके बाद वाईफाई की सुविधा उठा सकूं। बट फोन में अगर होता है, अगर किसी ने मतलब टेररिज्म एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना है तो वो तो रात को 8 बजे के बाद भी घर जाके कर सकता है, तो फोन में क्या दिक्कत आ रही है फिर हमें कनेक्शन ना देने की? चलिए इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं जो इंटरनेट पर इस तरह से 4G भी रिस्टोर नहीं किया, 2G रिस्टोर कर दिया प्रशासन की तरफ से। मैडम मैं यहाँ
कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट में गांव है हरिपुर ब्राह्मणा, बॉर्डर एरिया में वो गांव है। जहाँ से मैं रहती हूँ वहाँ पर मुझे 2 or 3 किलोमीटर चलकर वहाँ पर स्टॉप में जाना पड़ता है, और जब मैं स्टॉप पे पहुँचती हूँ तो मुझे वहाँ से मेटाडोर लेके एक चढ़वाल में पहुँचना पड़ता है एक अपना फॉर्म फिल करने के लिए। इवन कि हम बैकवर्ड एरिया से, नॉट कि बैकवर्ड एरिया, हम वहाँ बॉर्डर एरिया से लोग हैं, हमें मुझे अगर वहाँ से यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस के लिए भी आना पड़ेगा हाईकोर्ट में, आई एम एडवोकेट इन जम्मू हाईकोर्ट, अगर मुझे प्रैक्टिस के लिए भी आना पड़ेगा वो मुझे वहाँ से यहाँ पर आने के लिए, अगर जम्मू हाईकोर्ट में इतने सारे फॉर्म्स निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, आपने बोला 2G चलता है और वो उन मैडम जी ने बताया है कि 2G चलता है, किस तरह से चलता है, तो किस तरह से चलता है, हमें कितना वेट करना पड़ता है, कितना उस टाइम को आधी 12 बजे के बाद वो 2G चलता है। मुझे बस सर से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बस इतना ही बोलना है कि अगर मैं एक बॉर्डर एरिया से होके हम इतना सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ को, आप प्लीज़ हमें ये क्लियर कीजिए, ये नेशनल सिक्योरिटी से लेकर हमें ये चीज़ कब तक ओपन होगी, कब होगा, हमें एक ना क्लियर कट कीजिए। नहीं, आप टाइम पीरियड मांग रही हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं आप सवाल उठा रही है केंद्र सरकार के लिए, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है? नेशनल सिक्योरिटी है, मैं मानती हूँ कि सर इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है इस चीज़ में, हम इसमें, जैसे हमारी मैडम जी सवीना मैम ने जिस चीज़ को हमें एलाबरेट किया है कि क्यों नेशनल सिक्योरिटी क्या वाईफाई से नहीं खराब हो रही, नेशनल सिक्योरिटी VPN से खराब नहीं हो रही। आप कंप्लीट बैन चाहते हैं? नो मैम, मैं कंप्लीट बैन नहीं चाहती, मैं सर को बस रिस्टोरेशन चाहती। मैं सर से बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर हमारी जो सरकार है, जो हमारे सर हैं यहाँ के गवर्नर साहब हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त कर रही हूँ कि अगर सर से ये रिक्वेस्ट है कि समहाउ आप ये क्वेश्चन रेज कर रही हैं कि बच्चे जो हैं अपने फॉर्म्स फिल नहीं कर पा रहे हैं, नौकरियों की जो बात हो रही है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप मैम, एक फॉर्म निकला था जैक का फॉर्म, मैं एक लॉ फील्ड से हूँ तो जैक का फॉर्म निकला था, उसमें तो उसकी लास्ट डेट थी 13 फरवरी, तो मैंने वो फॉर्म फिल नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ इंटरनेट लॉस, क्योंकि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा उस वजह से हम वो फॉर्म नहीं फिल कर पाए। मैडम जी ने बोला है कि 2G नेट चल रहा है, हम वहाँ से वो चीज़ देख सकते हैं वो, तो मैं सर से ये बोलूँगी कि 2G चल रहा है पर हम, और 2G चल तो रहा है वो, पर हम उस 2G में ये फॉर्म्स का आगे, हम वो पेज खुलता है, पहला पेज खुलता है, जब हम नेक्स्ट पे ना पूरा डिटेल में जाए तो वो पेज ही नहीं खुलता। सीधे तौर पर सवाल है केंद्र सरकार से, सवाल है प्रधानमंत्री से, सवाल है गृह मंत्री से और तमाम उन प्रशासनिक अधिकारियों से जिनके ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर की, कि ये जो है इंटरनेट बैन जो है, फिलहाल उसको हम बैन नहीं कहेंगे क्योंकि 2G सर्विसेज रिस्टोर कर दी गई हैं, लेकिन 4G का इंतज़ार जो है अभी भी हो रहा है, बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि आखिरकार कब जम्मू कश्मीर की जनता को वो सौगात मिलेगी जहाँ पर 4G इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर होंगी। बच्चों की बात की जाए तो ये बच्चे समय समय पर आवाज़ उठा रहते हैं कि यहाँ पर नौकरियों के फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है, नोट्स के कहीं ना कहीं वो जो बातें हो रही हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, हमें नोट्स निकालने में परेशानी हो रही है, वाईफाई की सुविधा अगर उपलब्ध होती है साइबर कैफेज में, तो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर साइबर कैफेज काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होते हैं, कुछ किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ती है, उसके बाद साइबर कैफेज होते हैं, यानी कि परेशानियों का सामना जम्मू कश्मीर का युवा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर गुहार है प्रधानमंत्री से, गुहार है यहाँ के प्रशासन से, गुहार है LG GC मुर्मू से कि आखिरकार कब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं को इसी तरह से इंतज़ार करना पड़ेगा और कब तक तारीख पे तारीख जो है वो मिलती रही और कब तक जो है यहाँ पर सीधे तौर पर इंटरनेट सर्विसेज पूरी तरह से पूर्णता रिस्टोर हो जाएंगी। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी, आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।